नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर जी के फॉर ऑल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आज है आपका 6 मई 2018। आज का ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 10 क्वेश्चन रहेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने अपना टाइम जोन बदलकर दक्षिण कोरिया के अनुरूप किया? आपके ऑप्शन ही रहे उत्तर कोरिया, हांगकॉन्ग, मकाऊ, जापान। इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अपना टाइम जोन बदलकर दक्षिण कोरिया के अनुरूप किया है। मैंने ये न्यू डिस्कशन में आपको डिटेल से समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वीडिश अकादमी ने फैसला किया है कि इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार किस श्रेणी में घोषित नहीं किए जाएंगे? तो आपके ऑप्शन ही रहे भौतिक विज्ञान, साहित्य, रसायन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साहित्य। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिया जाएगा, इस घोषित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सार्क वित्त मंत्रियों की 12वीं अनौपचारिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन ही रहे मनीला, बोहोल, बटान, बिगान। इसका राइट आंसर है मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला में सार्क के वित्त मंत्रियों की 12वीं बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति आयोग ने यह कंपनी AI का उपयोग कर फसल उपज भविष्यवाणी मॉडल विकसित करेगी? आपके ऑप्शन ही रहे IBM, नेस्ले, सिटी ग्रुप, पेप्सिको। इसका राइट आंसर है IBM। IBM कंपनी फसल भविष्यवाणी मॉडल विकसित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। IAAF यहाँ होने वाले 2019 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में शोभा के सत्र को समाप्त कर देगा? आपके ऑप्शन ही रहे दोहा, लोसेल, जवारा, अल्टिमेटमी। इसका राइट आंसर है दोहा। मैंने आपको न्यू डिस्कशन में डिटेल से समझाया था और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिससे कि सभी को जानकारी मिल सके। और लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को और कमेंट जरूर करके बताएं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस शहर में खेल पहल स्टार खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई? इसका ऑप्शन ही रहे धर्मशाला, जयपुर, मुंबई, अमृतसर। तो इसका राइट आंसर है धर्मशाला। धर्मशाला में स्टार खेल महाकुंभ की पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस हवाई अड्डे ने वाणिज्यिक संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन ही रहे सिलचर हवाई अड्डा, शिलांग हवाई अड्डा, पक्योंग हवाई अड्डा, रूपसी हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर है सिक्किम में एकमात्र हवाई अड्डा है पक्योंग। पक्योंग हवाई अड्डे को जो है वाणिज्यिक संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के कौन सा विमान शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन ही रहे मेकायन MiG-29, HAL, तेजस, डेसल्ट मिराज 2000, डकोटा DC-3 BP-905। तो इसका राइट आंसर है डकोटा DC-3 BP-905। मैंने आपको न्यू डिस्कशन में डिटेल समझाया था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय अमेरिकी महिला को अमेरिका में अंतरिम सिविल कोर्ट जज नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन ही रहे दीपा अम्बिकर, सुशीला भारद्वाज, रजनी कालरा, चंदा कोचर। तो इसका राइट आंसर है दीपा आंबेडकर। दीपा आंबेडकर को सिविल कोर्ट जज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त के किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन ही रहे एडम गिलक्रिस्ट, जस्टिन लैंगर, ग्लेन मैकग्रा, रिकी पोंटिंग। तो इसका राइट आंसर है जस्टिन लैंगर। तो इसके आपके 10 क्वेश्चन होते हैं समाप्त। करंट अफेयर्स टुडेज न्यू डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया। यही क्वेश्चन आपके स्टेट PSC अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहीं से आते हैं। यदि आप न्यू डिस्कशन और ऑब्जेक्टिव सेशन करंट अफेयर्स का देखते हैं तो आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे। इसके अलावा किसी और भी सोर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, यहीं से आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर करके बताएं।